वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपना ईमेल को फॉरवर्ड कर सकते हो अपने जीमेल पर। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हम यहाँ से अपना गूगल ओपन करते हैं और यहाँ से हम चलेंगे गोडैडी अकाउंट पर, जहाँ से आप ईमेल क्रिएट करते हैं। पहले हम बात करेंगे ईमेल कैसे क्रिएट करना है आपको। तो हम यहाँ से ईमेल क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ से चलता हूँ माय डोमेन्स पे, मैनेज डोमेन्स, और यहाँ से मैं ओपन करता हूँ माय प्रोडक्ट। माय प्रोडक्ट पे जाने के बाद आपको जाना है अपनी होस्टिंग में, अपने सी पैनल में, और आप अपना सी पैनल ओपन कर सकते हो। अगर आपकी कोई और यूज़ कर रहे हो होस्टिंग, तो उसके सी पैनल में चल जाओ। सी पैनल में जाने के बाद हम क्रिएट करेंगे ईमेल, प्रोफेशनल ईमेल जिसे हम कहते हैं। तो मैंने यहाँ से अपना डैशबोर्ड पे आ गया हूँ मैं, और यहाँ से मैं जाऊँगा अपने सी पैनल पे। यहाँ से मैंने अपना सी पैनल एडमिन हम ओपन करते हैं, और यहाँ से हम जाएंगे ईमेल पे, क्रिएट ईमेल पे, क्योंकि पहले हमें एक प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक ईमेल पे चल जाता हूँ, स्क्रॉल करके नीचे। ये रहा आपका ईमेल अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना है ईमेल अकाउंट पर। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ये पेज फॉरवर्ड करेगा। तो यहाँ से मैंने जो पहले का एक ईमेल बनाया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और मैं आपको एक नया ईमेल बना के देता हूँ, दिखाता हूँ कैसे बनाना है। आप मल्टीपल ईमेल्स जनरेट कर सकते हो, एन नंबर ऑफ, आपका एक डोमेन है उसके लिए आप कहीं सारे ईमेल्स जनरेट कर सकते हो फ्री में, आपको बाय नहीं करना पड़ेगा ईमेल। तो यहाँ से क्रिएट ईमेल करते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डोमेन, आपका जो भी डोमेन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्रिएट करना है यूज़र नेम, जैसे मैं यहाँ देता हूँ एडमिन, आप कोई भी अपना एक यूज़र नेम दे दो। और मैं यहाँ पे रखते हैं पासवर्ड। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे आप स्टोरेज स्पेस सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितनी MB रखनी है, अनलिमिटेड रखनी है, वो आप यहाँ से खुद सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से उसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट, और क्रिएट करते ही आपकी क्रिएट हो जाएगी इन 2 मिनट्स, जैसे कि क्रिएट हो चुकी है सक्सेसफुली। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वापस सी पैनल पर जाएंगे, और यहाँ से हम अपने वेबसाइट के डोमेन पे जाएंगे वेब मेल पर, और हम चेक करेंगे अपना वेब मेल कि हमारा ईमेल ओपन हो चुका है या नहीं। तो मैंने यहाँ से अपना सी पैनल ओपन किया, और यहाँ से मैं अपना डोमेन को ओपन करता हूँ। यहाँ से आप फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप अपना ईमेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप सिलेक्ट करें डोमेन, अगर ऑल डोमेन करेंगे तो सबके ईमेल्स आपको फॉरवर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे मैं फॉरवर्डर लगा रहा हूँ जो मेरा ईमेल को फॉरवर्ड करेगा। तो आपको यहाँ पे देना यूज़र नेम सिंपल, उसके अलावा कुछ नहीं देना, क्योंकि नीचे आपका डोमेन सेलेक्ट कर रखा है उन्होंने @ के बाद। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि कहाँ पे आपको फॉरवर्ड करना है अपना जीमेल का, और आपको यहाँ पे देना जीमेल आईडी। यहाँ पे आप जीमेल ईमेल आईडी दे दो, और उसके बाद आपको क्लिक करना है ऐड फॉरवर्ड। ऐड फॉरवर्ड क्लिक करते ही ये फॉरवर्ड हो चुका है। यहाँ से आपको करना है बैक, और यहाँ से हम चलते हैं वेब मेल पर, animalscare/webmail। ये मैंने अपना वेब मेल ओपन किया, और हम यहाँ से डालेंगे अपना यूजर नेम और पासवर्ड। यहाँ से मैंने अपना यूज़र नेम एंटर कर दिया, और मैं यहाँ से उसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको अपना ओपन करना है वेब मेल, और यहाँ से आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो, यहीं से डायरेक्ट फिर ना पहले एक बार चेक कर सकते हो अगर आपको वेलकम मेल भी आ रखा होगा। तो मैं यहाँ से अपना ईमेल ओपन करता हूँ, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारे को वेलकम ईमेल आ रखा है। ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए आता है, अगर आपको अपने पोर्ट्स वगैरह चेक करने हैं तो यहाँ पे आपको सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं इस वेब में, इसमें। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, आपका ईमेल फॉरवर्ड हो चुका है, तो हम क्या करते हैं, आप एक फॉरवर्डर फिर दोबारा चेक कर लेते हैं। अब यहाँ से आप बैक करेंगे और नीचे जाएंगे फॉरवर्डर्स में, तो ये ऑटो रिस्पॉन्डर भी आप लगा सकते हैं। यहाँ से फॉरवर्डर में जाएंगे तो आपको यहाँ से क्या करना है, सेलेक्ट करना है ऐड फॉरवर्डर।
यहाँ पे आपको डालना है फॉरवर्ड ईमेल, किसमें आप कौन से ईमेल पे आप फॉरवर्ड करना चाहते हो। तो आप यहाँ पे अपनी जीमेल की ईमेल आईडी डाल दो और क्लिक करना है आपको ऐड फॉरवर्ड, क्लिक करते ही ये सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको करना है बैक और अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो एक ईमेल भेज के। तो मैं यहाँ से एक जीमेल अकाउंट ओपन करता हूँ, तो हम यहाँ से चलते हैं अपने, मैं इसको वेब मेल पे आने के बाद यहाँ से हम जीमेल ओपन करते हैं क्योंकि मैं टेस्ट कर लेते हैं कि ईमेल सही से फॉरवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक ईमेल क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ से कंपोज कर लेता हूँ एक ईमेल और मैं चेक करूँगा कि ईमेल सही से जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो मैं यहाँ से अपनी जो हमने अभी ईमेल आईडी क्रिएट करी है, प्रोफेशनल ईमेल आईडी, वो यहाँ टाइप करेंगे और यहाँ पे एक सब्जेक्ट डाल देते हैं। सब्जेक्ट में आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेस्टिंग के लिए वेलकम टेस्ट। ठीक है, ये टेस्टिंग के लिए मेल हो गया। हाय वेलकम टू टेस्टिंग वेब मेल। तो मैंने ये वेलकम मेल के लिए, टेस्टिंग के लिए वेब मेल कर दिया। मैं यहाँ से लिखता हूँ फॉरवर्ड और नीचे यहाँ पे थैंक यू लिख के और इसको सेंड कर देता हूँ। सेंड करते ये क्या होगा, डिलीवर होगा मेरे वेब मेल पर और वेब मेल के बाद ये रिस्पॉन्स करेगा सेम ईमेल मेरे दूसरे जीमेल पर जिसमें मैंने इस ईमेल आईडी से भेजा है। तो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ अपने वेब मेल पर रिफ्रेश करके, जैसे ये सेंड हो गया। सेंड होने के एक या दो मिनट बाद ये आपके वेब मेल पर और आपके जीमेल पर रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। आप चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ से वेब मेल ओपन किया और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करती है दो सेकंड्स में यहाँ पे लोड हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसको रिफ्रेश किया और मैं यहाँ से अपना अकाउंट भी स्विच कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने अपने जीमेल अकाउंट पे आ गया हूँ, तो यहाँ पे अभी ये नहीं आया। तो क्या होगा, थोड़ी देर लगती है आने में, एक से दो मिनट के अंदर अंदर आपके जीमेल पे ये दिखा देगा। अभी यहाँ पे भी नहीं आया, जैसे यहाँ पे आ गया तो वैसे ही आपके जीमेल पे भी आ जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये जैसे आप देख सकते हैं कि वेलकम टेस्ट आ चुका है। मैं इसको ओपन नहीं करता हूँ बट मैं आपको जीमेल पर ओपन करके दिखाता हूँ। अब ये जीमेल पर भी आ ही जाएगा, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया और ये आ चुका है। अब इसको खोल के पढ़ सकते हो कि सेम वही ईमेल जो हमने अभी भेजा था वही ईमेल यहाँ आ रहा है। अगर आपको आपका भी दो मिनट अगर नहीं आया तो दो मिनट बाद आ जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।